हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता साफ हो जाएगा। बशीर बद्र साहब की कलम से निकले इन शब्दों को अगर भारतीय क्रिकेट सफर की नजरों से देखें तो पता चलता है कि आज से 96 साल पहले शुरू हुए सफर में बहुत सी मुश्किलें आईं, बहुत रुकावटें आईं, लेकिन इस दरिया ने अपना रास्ता बनाया और बस चलता रहा। कुछ खिलाड़ियों, कप्तानों और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और सहयोग भी इस सफर में दरिया को मिला और आज पैसे, शोहरत और कामयाबी का अंतहीन समुद्र जो आप देख रहे हैं, यह उसकी जिद का ही परिणाम है जिसने उन लोगों को और इस क्रिकेट बोर्ड को रुकने नहीं दिया। तो आज नारा टीवी की सीरीज मार्वेलस मैन एंड मोमेंट्स की इस वीडियो में हम बीसीसीआई के फर्स्ट ईयर तक पहुंचने की इसी नायाब कहानी को आपके सामने रखने वाले हैं, जिसमें कुछ लोगों का और कुछ पलों का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1926 से। भारत में क्रिकेट की शुरुआत हुए एक अरसा बीत गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने के लिए इंग्लिश खिलाड़ियों को अपने खेल से खुश करना बहुत जरूरी था। ऐसे में साल 1926 में यह तय हुआ कि पूर्व कप्तान आर्थर गिलिगन की कप्तानी में एमसीसी की एक टीम भारत का दौरा करेगी और वहां अलग अलग टीमों के साथ 26 मैच खेले जाएंगे। इस दौरे के दौरान एक मैच द हिंदूज और द एमसीसी के बीच भी खेला गया, जिसमें कर्नल सी के नायडू ने 1 दिसंबर के दिन 11 छक्कों की मदद से महज कुछ मिनटों में खूबसूरत 153 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसे देखकर आर्थर गिलिगन को यकीन हो गया था कि अब भारत टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार है। आर्थर गिलिगन और बाकी इंग्लिश खिलाड़ियों के भरोसे को देखते हुए भारत को आईसीसी का सदस्य बनाने की कोशिशें शुरू हो गईं, जिसमें आखिरी कड़ी के तौर पर दिसंबर 1928 में एक मीटिंग बुलाई गई और यहां बीसीसीआई का निर्माण किया गया। ग्रांट गोबन बीसीसीआई के पहले प्रेसिडेंट बनाए गए और एंथनी डीमोलो को पहला सेक्रेटरी बनाया गया। ये दो लोग थे जिन्होंने बीसीसीआई के निर्माण के लिए देश की सभी बड़ी टीमों और खिलाड़ियों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत को अगले 5 महीनों में आईसीसी का फुल मेंबर सदस्य बना दिया गया और अब इंतजार था पहले टेस्ट मैच का। भारत में क्रिकेट को प्यार करने वाले और इस खेल को बढ़ावा देने वाले अलग अलग लोगों में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। साल 1911 का इंग्लैंड दौरा और फिर साल 1926 में एमसीसी टूर इन्हीं की देखरेख और स्पॉन्सरशिप में पूरा हुआ था। और अब जब यह तय हो गया था कि भारतीय टीम 1932 में इंग्लैंड का दौरा करने वाली है, तो भूपेंद्र सिंह ने पूरी टीम को अपने महल में रखा और उनके ट्रेनिंग की भी भरपूर व्यवस्था करवाई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात पढ़ने को मिलती है वो ये है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह जी ने इस दौरे के लिए 50,000 रुपए की बड़ी रकम भी चुकाई थी, ताकि खिलाड़ियों को इंग्लैंड में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 25 जून साल 1932 के दिन भारतीय टीम अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरी और शानदार प्रदर्शन किया। महाराजा भूपेंद्र सिंह के अलावा विजी और होलकर के महाराजाओं ने भी इस दौरान क्रिकेट को बढ़ावा देने का काम किया था। भारतीय टीम के पहले कप्तान नायडू को होलकर के महाराजा ने अपनी सेना में कर्नल का पद दिया था, ताकि ये पैसों की चिंता किए बिना क्रिकेट खेल सके। इसके अलावा भी अलग अलग महाराजाओं ने अलग अलग खिलाड़ियों जैसे अमरनाथ और मुश्ताक अली को अपने यहाँ काम दिया था, मगर जिन खिलाड़ियों को महाराजाओं के यहाँ कोई काम नहीं मिलता था, उन्हें किसी और तरह से अपना गुजारा करना पड़ता था। ऐसे में भारत के अंतर्राष्ट्रीय टीम के पहले विकेट कीपर जनार्दन नवले की कहानी सामने आती है, जिन्हें क्रिकेट के बाद सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी काम करना पड़ता था। खैर, समय का पहिया चलता रहा। साल 1936 में विजी और अमरनाथ के बीच जो हुआ, उससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का पहला विवाद माना जाता है, जिसके चलते अमरनाथ उस दौरे पर टेस्ट मैचों का हिस्सा नहीं बन पाए और फिर उन्हें अपना तीसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए 10 सालों का इंतजार करना पड़ा था। विजी एक प्रतिद्वंदी भावना रखने वाले व्यक्ति थे और भारत में क्रिकेट को लेकर उनकी प्रतिद्वंदिता के किस्से भूपेंद्र सिंह जी के साथ अलग अलग मौकों पर सुनने को मिल जाते हैं। साल 1936 में जब विजी भारतीय टीम के कप्तान बने, तो टीम के कुछ खिलाड़ी इस फैसले से खुश नहीं थे। ऐसे में इस दौरे के दौरान उन्होंने एक दिन मुश्ताक अली को अपने पास बुलाया और उन्हें सोने की घड़ी देते हुए कहा कि तुम्हें कल मर्चेंट को जानबूझकर रन आउट करवाना है, क्योंकि मर्चेंट उनके पास नायडू को कप्तान बनाने की सिफारिश लेकर के आए थे। हालांकि मुश्ताक ने उनका ऑफर ठुकरा दिया था। विजी जहां एक तरफा प्रतिद्वंदी और ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति थे, तो वहीं भारतीय क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों के लिए उनके मन में प्यार भी था। विजी भारतीय क्रिकेट इतिहास में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें नाइटहुड ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने देश को प्राथमिकता देते हुए इसे लौटा दिया। और फिर जब विजी को साल 1954 में बीसीसीआई की कमान सौंपी गई, तो विजी ने लाला अमरनाथ और एंथनी डीमेलो के बीच चल रही तनातनी में लाला अमरनाथ का साथ दिया था। लाला अमरनाथ और एंथनी डीमेलो के बीच हुआ विवाद
आजादी के बाद भारतीय क्रिकेट में घटित हुआ पहला बड़ा विवाद था। दरअसल उस समय भारत आने वाली टीमों को भारतीय टीम से ज्यादा अच्छा खाना, रहने की जगह और सारी सुविधाएं दी जाती थी और भारतीय खिलाड़ियों को उनके मुकाबले बहुत कम चीजें मिल पाती थी। ऐसे में जब लाला जी ने इसका विरोध किया और बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए तो बीसीसीआई प्रेसिडेंट एंथनी डीमेलो ने उन पर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने का आरोप लगाकर उन्हें टीम से बाहर कर दिया। ऐसे में डीमेलो के बाद प्रेसिडेंट बने वीजी ने लाला जी पर लगे सभी आरोपों से उन्हें मुक्त किया था। साल 1947 में आजाद भारत की पहली टीम अमरनाथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हवाई जहाज के जरिए पहुंची थी और क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी क्रिकेट टीम ने हवाई मार्ग से ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा था। इस दौरे के दौरान मेलबर्न मैच से पहले खबर आई कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई है, तो ऐसे में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने ब्लैक बैंड पहनकर मैदान पर उतरने का फैसला किया और पूरी भारतीय टीम तिरंगे को सैल्यूट करने के बाद मैदान पर उतरने वाली थी, लेकिन अमीर इलाही और गुल मोहम्मद ने ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि वो दौरा खत्म होने के बाद पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त करने वाले हैं तो हिंदुस्तानी झंडे को सलाम नहीं करेंगे। यह वो समय था जब भारतीय खिलाड़ी राजाओं के दिए गए वेतन पर गुजर बसर करते थे। सामान्य तौर पर भारतीय क्रिकेट में पैसा नहीं था और ऐसे में आजादी के बाद एक लंबा समय भारतीय क्रिकेट को आर्थिक तंगी में गुजारना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद साल 1952 में इंग्लैंड टीम ने भारत का दौरा किया और यहाँ मद्रास टेस्ट में भारतीय टीम को अपनी पहली जीत हासिल हुई थी। इस दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी विजय हजारे के हाथों में थी। इस दौरान भारतीय टीम में शामिल रहे दत्ताजी राव गायकवाड़ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि भारतीय खिलाड़ियों को उस समय एक टेस्ट मैच के लिए महज 50 रुपए ही दिए जाते थे और इसी में खिलाड़ियों को अपना पूरा खर्चा संभालना पड़ता था। साल 1952 में ही जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया तो एक कहानी यह सुनने को मिलती है कि इंग्लैंड में विजय हजारे की एक प्रशंसक ने उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया था। विजय हजारे ने जवाब में उनसे कहा कि आपके बुलावे के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी खाने से ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो अगर आप हमें पैसे दे सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में यह सब सोचना आपको अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय हालात ऐसे ही थे। भारतीय खिलाड़ी पानी के जहाज से सेकंड क्लास में सफर करते हुए इंग्लैंड पहुंचते थे और सफर के दौरान बहुत से खिलाड़ी बीमार भी हो जाते थे। तेज गेंदों से लगे घाव कई दिनों तक सही नहीं होते थे। इंग्लैंड के बाद भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के लिए अपना सफर शुरू किया, जिसमें इस टीम ने लंदन के आगे अपना सफर पानी की जहाज में तय किया था। उस समय इंग्लैंड और बारबाडोस के बीच केले का व्यापार हुआ करता था और यह जहाज बारबाडोस से केले भरकर आई थी और वापस जाते समय इसी जहाज में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने आगे का सफर तय किया था। 50 का दशक क्रिकेट के लिहाज से आजाद भारत का सबसे खराब समय था। महज 50-60 रुपए में खिलाड़ियों को अपना पूरा खर्च निकालना पड़ता था। ऐसे में खिलाड़ी कभी कभी एक वक्त का खाना भी छोड़ देते थे। लॉन्ड्री का खर्च बचाने के लिए खिलाड़ियों को अपने कपड़े खुद साफ करने पड़ते थे। फटे पुराने पैड और ग्लव्स के साथ खेलना पड़ता था। कप्तानी को लेकर भी खींचातानी चलती रहती थी। हर 2-1 साल में कोई एक नया कप्तान देखने को मिल जाता था। कुछ खिलाड़ियों को सिर्फ एक सीरीज या मैच के लिए ही कप्तान बनाया जाता था। साल 1958-59 में वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान 5 मैचों में 4 खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को लीड किया था। इस दौरान टीम में जाति, प्रांत और ऊंच नीच को लेकर भी खिलाड़ी अलग अलग खेमों में बटे हुए थे। ऐसे में टीम का प्रदर्शन मैदान पर अच्छा होने की तो आशा रखना भी गलत था। इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो इस दौर में याद करने लायक हो। साल 1961 में 21 साल के एक लड़के ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। इंग्लैंड से पढ़कर आए नवाब टाइगर पटौदी को नारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुई दुर्घटना के बाद भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। टाइगर पटौदी ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों को भारतीय के तौर पर खेलना सिखाया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्हीं की कप्तानी में भारतीय टीम को विदेशी जमीन पर अपनी पहली जीत हासिल हुई और बहुत से महान खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में जगह बनाई। यह वो समय था जब भारतीय खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए 250 रुपए मिलने लगे थे, लेकिन फिर भी कप्तान पटौदी को खिलाड़ियों के साथ मैनेजमेंट का बुरा व्यवहार पसंद नहीं था। कहा जाता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच के बाद जब खिलाड़ी अपनी फीस लेने पहुंचे तो उन्हें सिर्फ 200 रुपए ही दिए गए। 50 रुपए इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि वो मैच 4 दिनों में खत्म हो गया था। सुभाष गुप्ते की कहानी तो आपने सुनी होगी, जिन्हें 1961-62 इंग्लैंड सीरीज के बाद वेस्टइंडीज दौरे से इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उस कमरे में मौजूद थे जहां उनके साथी खिलाड़ी ने महिला से गलत तरीके से बात की थी। सुभाष गुप्ते पर हमारी एक वीडियो बहुत पहले आ चुकी है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए सुभाष गुप्ते नारद टीवी, आपको वीडियो मिल जाएगी और आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब सुभाष गुप्ते को इस बेईमानी के बाद बीसीसीआई से कोई उम्मीद नहीं रही और वो त्रिनिदाद चले गए जहां अपनी पत्नी और बेटी के साथ ये लंबे समय तक नौकरी करते रहे, लेकिन भारत वापस नहीं आए। ऐसे में पटौदी और बिशन सिंह बेदी दो ऐसे खिलाड़ी थे
जिन्होंने बीसीसीआई के इस रवैये के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। बिशन सिंह बेदी को तो खैर आगे चलकर इसका खामियाजा भी बहुत बार भुगतना पड़ा, लेकिन नवाब को इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए 250 रुपए मिलना या ना मिलना एक जैसी बात थी। ऐसे में एक बार जब पटौदी को उनकी 250 रुपए की फीस देर से दी गई तो उन्होंने रुपए वापस कर दिए और कहा कि आप बाहर किसी मोची को दे दीजिए। बात करें बिशन सिंह बेदी की तो बीसीसीआई के साथ इनकी खींचातान करियर के पहले ही मैच से शुरू हो गई थी। साल 1966 में ईडन गार्डन के मैदान पर वेस्टइंडीज के साथ होने वाले मैच के लिए कैपेसिटी से 20,000 टिकटें अधिक बेची गईं, जिसके परिणाम स्वरूप मैच के दूसरे दिन लोग मैदान तक पहुंच गए और एक बड़ा दंगा शुरू हो गया। आगजनी और तोड़फोड़ के साथ पिच को भी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी क्रिकेट मैनेजमेंट ने मैच को जारी रखा और भारत यह मैच हार गई। कंपनसेशन के तौर पर बीसीसीआई की तरफ से खिलाड़ियों को 100 रुपए का बोनस दे दिया गया। बेदी ने अपना कप्तानी करियर श्रीलंका के खिलाफ एक अनऑफिशियल टेस्ट से शुरू किया था जो नागपुर में हुआ था। टीम को एमएलए हॉस्टल में रखा गया था, जहां सर्दी के मौसम में नहाने के लिए गर्म पानी और अच्छे खाने की सुविधा सिर्फ मैनेजर और कप्तान के लिए रखी गई थी। बेदी को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने इस बारे में जब विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के एक सेक्रेटरी से पूछा तो जवाब आया कि हमारे पास तो यही है, आपको जो करना है कर लीजिए। मामला जब बीसीसीआई तक पहुंचा तो बीसीसीआई मैनेजमेंट ने 5-स्टार ओबराय होटल में पूछताछ के लिए बेदी को बुलाया। यहां तो उन्हें कोई सजा नहीं दी गई, लेकिन मैच के बाद टीम के साथ बेदी की टिकट दिल्ली के लिए बुक नहीं की गई। उन्हें लगेज रेक में अपना सफर तय करना पड़ा और फिर बेदी दिल्ली से चंडीगढ़ दलीप ट्रॉफी मैच के लिए बस के जरिए पहुंचे। यह वो दौर था जब भारतीय खिलाड़ियों के लिए होटल की व्यवस्था मैच के पहले दिन से आखिरी दिन तक ही की जाती थी। कुछ दिन पहले पहुंचने वाले खिलाड़ी को कहीं और अपना समय गुजारना पड़ता था। बेदी के करियर में वैसलीन टेस्ट की घटना भी सुनने को मिलती है, जिसमें एक इंग्लैंड क्रिकेटर के खिलाफ बोलने की सजा यह मिली कि उन्हें काउंटी क्रिकेट से बाहर कर दिया गया और बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाया। यह पहला और आखिरी मौका नहीं था जब बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों का साथ नहीं दिया था। 1974 में इंग्लैंड दौरे पर सुधीर नायक पर जब चोरी का झूठा आरोप लगाया गया तब भी बीसीसीआई ने चुप रहना ही बेहतर समझा और सुधीर नायक को भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। सुधीर नायक की घटना का भी जिक्र हम एक वीडियो में कर चुके हैं, तो सुधीर नायक नारा टीवी सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी। भारतीय क्रिकेट की जगह विश्व क्रिकेट में लगभग पहले 60 सालों तक महत्वपूर्ण नहीं थी। विदेशी खिलाड़ी भारत में खेलना पसंद नहीं करते थे। कोई भी देश अपनी सबसे मजबूत टीम लेकर भारतीय जमीन पर नहीं आती थी। डॉन ब्रैडमैन ने अपने करियर में कभी भी भारतीय जमीन पर कोई मैच नहीं खेला था। ऑस्ट्रेलिया टीम 70 के दशक में सिर्फ एक बार भारत आई थी। भारत और भारतीय क्रिकेट को बेकार समझा जाता था। भारतीय टीम के इंग्लैंड टूर्स की कहानियां सुनाते हुए मदन लाल जी बताते हैं कि उन्हें सिर्फ एक बार ही खाना परोसा जाता था। 70 का दशक भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक तरह से राहत की सांस जैसा था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा यह वो समय था जब अलग अलग भारतीय खिलाड़ियों को विज्ञापन और फिल्मों में भी काम करने का मौका मिलने लगा था। टेस्ट मैचों के लिए 750 रुपए मिलने शुरू हो गए थे। सलीम दुर्रानी पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें किसी बॉलीवुड फिल्म में लीड रोल दिया गया था। परवीन बॉबी की फिल्म चरित्र में इस खिलाड़ी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फारूक इंजीनियर विज्ञापन में नजर आने वाले पहले खिलाड़ी बने, जिन्हें बिल क्रीम के विज्ञापन के लिए 2000 पाउंड दिए गए थे और इस दौरान जब भी फारूक बिना टोपी लगाए खेलते थे तो उन्हें कंपनी की तरफ से बोनस भी दिया जाता था। सुनील गावस्कर को अपने पहले विज्ञापन के लिए, जो शायद टेलकॉम पाउडर के लिए था, 2000 रुपए दिए गए थे। साल 1971 में जब भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को उनके देशों में हराया तो वापस आने पर खिलाड़ियों को कोई बड़ा कैश प्राइज नहीं दिया गया था। टीम के कप्तान अजीत वाडेकर उस समय बैंक में नौकरी करते थे तो उनको सीरीज के बाद प्रमोट करके बैंक में जनरल मैनेजर बना दिया गया था। वाडेकर ने लगभग 30 सालों तक बैंक में काम किया और उनकी तरह बहुत से खिलाड़ी अलग अलग जगहों पर क्रिकेट से अलग नौकरी किया करते थे। साल 1975 में भारतीय खिलाड़ियों को 2500 रुपए हर टेस्ट मैच के लिए मिलने लगे थे, लेकिन कोई बड़ा सुधार नहीं आया था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के हालात तो इससे भी बुरे थे, मगर कप्तानी में फेरबदल, खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी और बोर्ड की खस्ता हालत का यह दौर जल्दी खत्म होने वाला था। साल 1983 में तीसरे विश्व कप के लिए जब भारतीय टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हुई तो खिलाड़ियों को वनडे मैच के लिए 1700 से 2100 रुपए दिए जाते थे। इंग्लैंड में कपिल देव की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और विश्व चैंपियन बनकर वापस आई। बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को इस बार शानदार उपहार देने का फैसला किया, लेकिन यहां भी बीसीसीआई को अपने खिलाड़ियों के लिए इनामी राशि जुटाने के लिए 2 सालों का समय लग गया था। भारतीय क्रिकेट में पहली बार किसी टीम को 1,00,000 रुपए दिए गए थे। यहाँ से भारत में रंगीन टेलीविजन का दौर भी शुरू हो गया था, जिसके जरिए आम लोग भी अपने हीरोज को खेलते हुए देख सकते थे। धीरे धीरे भारत में क्रिकेट ने लोकप्रियता के मामले में फिल्मों से लेकर हॉकी जैसे अन्य खेलों को पिछाड़ना शुरू कर दिया था। भारत में एक नए बदलाव का आगाज तो हो गया था, लेकिन अब भी रास्ता साफ नहीं था। आर्थिक रूप से अभी भी पूरी तरह से सुधार नहीं आया था। हालांकि विश्व क्रिकेट का नजरिया बदलने लगा था। अगले कुछ सालों में चैंपियन ऑफ चैंपियंस का ताज भारतीय टीम ने हासिल किया। विदेशी दौरों पर टीम का प्रदर्शन बेहतर होने लगा। अजहरुद्दीन अपने पहले 3 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।
एक नई लहर शुरू हो गई थी। साल 1987 विश्व कप के लिए भारत और पाकिस्तान साथ में आए और टूर्नामेंट सफल रहा। अब भारतीय क्रिकेट को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से मजबूत करने का समय था। साल 1992 में जब हिसाब लगाया गया तो BCCI 62 लाख रुपए के घाटे में चल रही थी, क्योंकि इस समय BCCI को ब्रॉडकास्ट के लिए दूरदर्शन को हर मैच से पहले 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। लेकिन यहाँ साल 1993 से आंकड़े बदलने शुरू हुए। BCCI ने जगमोहन डालमिया के नेतृत्व में दूरदर्शन के साथ ब्रॉडकास्टिंग को लेकर चल रहे केस में जीत हासिल की। इस साल भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज के लिए BCCI ने TWI को 6 लाख डॉलर की कीमत पर राइट्स दिए और फिर दूरदर्शन भी कड़ी में शामिल हो गया। इसके बाद DD ने 240 करोड़ रुपए की रकम देकर 4 सालों के लिए टेलीकास्ट राइट लिए और देखते देखते तस्वीरें बदलने लगी। जगमोहन डालमिया को ICC प्रेसिडेंट बनाया गया। बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिला। देश और देश के बाहर कोका कोला कप, पेप्सी कप और न जाने कितने अलग अलग टूर्नामेंट्स हुए। और फिर साल 1996 विश्व कप की कामयाबी BCCI के सफर में एक बहुत बड़ा मोड़ थी। भारतीय टीम में अब कोच को 5 लाख रुपए मिलने लगे थे। सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी विज्ञापनों के जरिए करोड़ों रुपए कमा रहे थे। अनिल कुंबले को 50 से 60 हजार पाउंड काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए मिल रहे थे। BCCI की पकड़ ICC और विश्व क्रिकेट में मजबूत होने लगी थी। सचिन को बॉल टेम्परिंग विवाद से छुटकारा दिलाने से लेकर मंकी गेट विवाद में हरभजन सिंह पर लगे बैन को हटाने तक और उसके बाद भी कई मौकों पर इस पकड़ का असर भी देखने को मिला। साल 2008 में IPL की शुरुआत हुई और उसके बाद की कहानी से तो आप सब वाकिफ हैं। भारतीय क्रिकेट आज विश्व में हर फैसले पर अपना असर रखती है। BCCI की नेटवर्थ आज लगभग 15 से 20 हजार करोड़ रुपए है और इसी का परिणाम है कि आज के समय में हर खिलाड़ी को एक टेस्ट मैच के लिए 1975 की तुलना में 600 गुना से भी ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। आज से लगभग 96 साल पहले जिस बोर्ड की नींव रखी गई थी, जिसे 10 से 11 लाख रुपए जुटाने में 2 साल लग गए थे और जिसकी फाइलों में सालाना 62 लाख रुपए का नुकसान दर्ज था, उसे जगमोहन डालमिया जैसे महान लोगों ने उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां तक पहुंचने के बारे में सोचना भी कुछ बोर्ड्स के लिए असंभव है। कहानियां बहुत सारी हैं और अगर आपने चाहा तो हम आगे भी ये सफर जारी रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि इसके पहले एपिसोड पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, फिर भी हमने इसका दूसरा एपिसोड बनाया। अगर इस एपिसोड पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।